हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग को डालमा बनाने का रेसिपी दिखाऊंगी। मैं क्या क्या काट चुकी हूँ और कैसे कैसे करते हैं, ये प्रोसेस आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। मैं देखिए मैं क्या क्या काट के रखी हूँ और ये सब तैयारी कर चुकी हूँ। ये है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक पपीता है, एक गाजर है, ये पपीता है, देखिए ये पपीता है, ये गाजर है, और एक कच्चा केला है, और ये कद्दू है, और ये है आलू, आलू है ये, और ये तेज पत्ता है, नारियल है, इसको घिस के रखी हूँ, मिर्ची है, और ये जीरा है, राई, पंचभूत, पांच बटन है, ये सोशा है, और ये जीरा वाला मिक्स है, और मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और टमाटर है। अभी बनाना है डालमा, तो मैं कुकर निकाल देती हूँ और दाल भी निकाल देती हूँ। देखिए मैं दाल कुकर में दाल निकाल चुकी हूँ। अभी मुझे इसको धोना है, तो मैं धो लेती हूँ, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिए। देखिए मैं दाल धो चुकी हूँ और इसमें पानी भी ऐड कर चुकी हूँ। अभी जो मैं आप लोगों को वेजिटेबल दिखाई थी उसमें डाल देती हूँ। अभी मैं आलू डाल रही हूँ और अभी कद्दू डाल रही हूँ, उसको अभी मिक्स करके डालना है। मैं अभी सॉरी, ऐसा नहीं होता है, आप लोग को जो बताई थी पहले नमक और हल्दी बस डालना होता है, उसके बाद बाकी चीज डालते हैं। इसको अभी प्रेशर लगाना है, गैस में चढ़ा देती हूँ, लाइटर ऑन कर दी हूँ। सीटी आने के बाद इसको फ्राई करेंगे, तब तक के लिए मैं कुछ और काम करती हूँ। फिर दोस्तों मैं कुकर से निकाल चुकी हूँ, आप लोग को नहीं दिखा पाई ताकि मैं मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो गया था इसलिए। और मैं ये मसाला भी अभी देखिए, ये टमाटर मसाला जो जो चीज़ पंचभूतान, ये सब सब चीज़ आप जो साग बनाने के लिए, जो सब्जी बनाने के जो भी चीज़ करते हैं वो सब चीज़ मैं डाल चुकी हूँ। इसको अभी मैं चम्मच चला रही हूँ, ये हो चुका है। इसमें मैं जो कढ़ाई में बैठाई थी इसको डाल चुकी हूँ। इसमें अभी गैस में चढ़ाती हूँ 2 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद डालमा तैयार हो गया है। दोस्तों मैं नारियल डाल चुकी हूँ और डालमा मुझे बहुत पसंद है, और डालमा यहाँ उड़ीसा का बहुत फेमस डिश माना जाता है, और मेरे घर में भी सब खाते हैं। और डालमा बहुत हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल, नमक ये सब चीज़ नहीं लगता है, और सब प्रकार का वेजिटेबल्स इसमें मिला के आप खा सकते हैं, इसलिए ये बहुत मज़ेदार लगता है। आप लोग को कैसा लगता है डालमा कमेंट करके बताइए, और आप लोग का फेवरेट डिश क्या क्या है बताइए कमेंट करके, मैं बनाने की ट्राई करूँगी। तो दोस्तों मेरा डालमा बन चुका है, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।